हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेशियल फैट को आप कैसे कम कर सकते हैं। नाउ ये ओवरनाइट होने वाला प्रोसेस नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने फेस को बहुत ज्यादा चिजल्ड अप, बहुत ज्यादा शार्प, आपकी जो जॉ लाइन है बिल्कुल डिफाइन दिखा सकते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें आपको ना एक रुपया देके किसी को कुछ खरीदना पड़ेगा ना क्या, और ये है 100% इफेक्टिव। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको करना है को सब्सक्राइब और साथ में कर दीजिएगा बेल बटन को हिट, ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिस ना करें और आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फेशियल फैट है क्या। नाउ देखिए, अगर आपकी डाइट काफी अच्छी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह सब ले रहे हैं, कैलोरी भर भर के ले रहे हैं, तो जो फैट है वो अपना रास्ता बनाता है आपके चेहरे पे। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी में नहीं बना रहा, वो बना रहा है, लेकिन उसको अच्छा खासा रास्ता मिल गया है आपके फेस पे आने का और आपके फेस को पोला बनाने का। तो एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो फैट ना हो करके वो है पानी। नाउ पानी किस केसेस में हो सकता है? सपोज इफ अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप देखते हैं ऐसे लोगों का वजन जो है वो बढ़ता जाता है और उनका पूरा बॉडी वेट, मतलब उनका ओवरऑल जो बॉडी है वो काफी वजनी होता जाता है, और उनका जो फैट है वो मतलब यहाँ यहाँ इस पोर्शन में भी काफी ज्यादा होता है, इनके यू नो कानों तक भी फैट जा रहा होता है। सो ये दो केसेस हैं जहां पे आपको पता करना है कि आपका फेशियल फैट है या फिर फेशियल वाटर है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और उस चीज की जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है फेशियल फैट को कम करने के लिए, वो है डेडिकेशन। ये सारी चीजों को परे रख दीजिए, डेडिकेशन आता है नंबर वन पे। नाउ अगर आप बहुत ज्यादा खाते पीते घर के हैं, चिकन मटन कोरमा पिज्जा बर्गर आने दो वाला हिसाब किताब है आपका, आप समझ जाइए मेरा कहने का क्या मतलब है। आपका जो ओवरऑल बॉडी वेट है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप विश कर रहे हैं, आपकी डिजायर है कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल चिजल्ड अप लगे, बिल्कुल पतला शार्प लगे, भ्रम है ये तोड़ दीजिए। जैसे यू नो शीशा तोड़ते हैं पत्थर लगा के, वैसे तोड़ दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा हैवी हूं मैं, इस जगह से दोनों जगह से, मेरे को उसको कम करना है, जबकि मेरा बहुत फैला हुआ काम है, मतलब मेरा नीचे का बॉडी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन मेरे को उसको कम करना है, मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। कितनी भी मैं कॉन्सेंट्रेटेड एक्सरसाइजेस कर लूं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं मेरे पूरे ओवरऑल बॉडी पे काम नहीं करूं। तो देखिए, आपको आलू से शकरकंद बनने में यू नो शेप में आने में टाइम तो लगता ही है। सो आई मीन पोटैटो एंड देन स्वीट पोटैटो, है ना, टाइम लगेगा। सो पहली चीज ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके खान पान पे, आपके डाइट पे। नाउ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पगला जाते हैं एकदम, पता नहीं क्या हो जाता है उनको, एकदम खाना पीना छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार पतला होना है खाना पीना छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आप खाना पीना छोड़ेंगे आप बीमार हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे, आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, आप दोबारा फूल होगे। तो मैं जो बता रही हूँ यहाँ पे ज्ञान, वो दोबारा कहीं भैंस पानी में वाला काम, सो वो चीज मत करिए। आपको कमी खान पीने में नहीं करनी है, आपको कमी करनी है कैलोरीज में। आपको सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, आपको सही मात्रा में प्रोटीन चाहिए, आपको सही मात्रा में फैट भी चाहिए, क्योंकि वो भी जरूरी होता है। एक लिमिटेड मात्रा वाला जो फैट है वो हम सब हमारी सबकी बॉडी में होना जरूरी होता है। सो आपको ये तीनों चीजें सही प्रपोर्शन में चाहिए। कमी आपको कहाँ करनी है? आपको करनी है कैलोरीज में। बूमर और बबलगम से कुछ याद आया? मैं बात कर रही हूँ च्युइंगम की। यस, और आई नो इस पे एक सॉन्ग भी बना हुआ है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आपको याद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या था। मैं बात कर रही हूँ च्युइंगम चबाने की। नाउ आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये इससे तो प्रूव ही नहीं हुआ है कि इससे आपकी जॉ लाइन, जो आपका फेस है वो चिजल्ड लगेगा, पतला लगेगा, आपकी जो जॉ लाइन है वो डिफाइन होगी। नाउ देखिए, सारी चीजें साइंस वाली तो लेके आते नहीं है, अगर हम साइंस में होते तो हम यूट्यूब पे हमारा कोई काम ही नहीं है ना। देखिए, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे एक बात बताइए, जब लड़कों को अपनी बाइसेप्स बढ़ानी होती है तो वो बाइसेप्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनका जो मसल ग्रुप है पूरा वो बड़ा होता है, वो टोन होता है, वो स्ट्रेच होता है, जिससे उनके मसल्स बढ़ना दिखने स्टार्ट हो जाती है, उनके मसल्स बढ़ती हैं। ना अगर हम बात करें च्युइंगम चबाने की, तो जैसे जैसे हम च्युइंगम चबाएंगे उससे हमारी जो जॉ लाइन है, ये वाली जो जॉ लाइन है, इसकी जो मसल ग्रुप है ये फॉर्म होगा, ये बड़ा होगा, और इससे हमारी जो जॉ लाइन है वो बिल्कुल शार्प दिखना स्टार्ट हो जाएगी, और ये हमारा जो एक्सेसिव फैट होता है हमारे फेस को, उसको भी छानने में काम करता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको करके दिखाती हूँ ना। इसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको देखना होता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऐसे। सो आपको ऊपर की तरफ देखना होता है, आपका जो नीचे वाला जो टीथ ग्रुप है, ये पूरा जो नीचे वाला सेट है आपके दांतों का, इसको आपको ऊपर, जो ऊपर वाले दांत हैं उनसे आगे लेके आना होता है। ना आपको कैसे करना है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, आई एम सॉरी। नाउ ये वाली जो एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखाई, इसमें क्या होता है, आपका ये जो गर्दन होता है यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव आता है, और जब आप अपने इस पोर्शन को ऊपर करते हैं, इससे आपके चीक्स ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ,
कैन यू सी दिस पोर्शन, मतलब ये ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होता है जो हमारे फेस को चिजल्ड अप बनाने में हेल्प करता है और हमारे जॉ लाइन को शार्प करने में हेल्प करता है। नाउ ये जो दोनों ही एक्सरसाइजेस हैं च्युइंगम चबाने वाले, ये आप कर सकते हैं दिन में 2 बार, आपको 10-10 मिनट करनी है। जो गर्दन वाली एक्सरसाइज है ये आपको करनी है सिर्फ 5 बार और आपको 10 सेकेंड्स तक अपनी गर्दन को ऐसे होल्ड करके रखना है और ये आपको 5-5 के सेट में करनी है, दिन में सिर्फ 1 बार करेंगे, दैट इज मोर देन एनफ। एंड यस, विद दिस आई फिनिश माय टुडेस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं ओवरऑल बॉडी वेट कैसे कम करना है, आपको क्या करना है, कॉमेंट करना है कॉमेंट सेक्शन में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं पहले क्या खाती थी और अब क्या खाती हूँ या क्या खाया था मैंने मेरे ओवरऑल बॉडी वेट को कम करने के लिए, आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं और भर भर के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। एंड आई शेल सी यू सुपर सून विद माई न्यू वीडियो। टिल देन आई एम, टेक केयर।